हाय गाइस, वेलकम टू सत्य एट किचन। आज मैं आपके साथ पोहे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने पोहे की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो जो बनाया था वो कुछ अलग था। उसे थोड़ा मैंने क्रिस्पी बनाया था, लेकिन आज जो बनाने जा रही हूँ वो क्रिस्पी नहीं होगा, वो कुछ अलग टाइप से मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए इसे बनाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पोहा लिया हुआ है और मैंने अपनी फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग ही लिया है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग ही लें। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंबर के हिसाब से बताया। तो मैं यहाँ कोई कप या कोई बाउल का माप नहीं बता रही हूँ, कुछ ग्राम नहीं बता रही हूँ, बस मेंबर के हिसाब से। और कभी कभी ये टेस्टी लगता है तो हम सब थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोहा लिया है और 5 लोगों के लिए लिया है। एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, वन थर्ड TSP मैंने हल्दी लिया है और 1/3 TSP कश्मीरी मिर्ची ले लिया है। ये थोड़ा सा पोहा को कलरफुल करने के लिए, आप चाहें तो आप बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं, यानी बिना हल्दी और बिना लाल मिर्च के। 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, नमक स्वादानुसार, 1 TSP जीरा और मस्टर्ड सीड है, यानी जो मस्टर्ड सीड्स और क्यूमिन सीड्स है वो दोनों 1/2 TSP आपको लेना है। करी लीव्स, लेमन जूस 1/2 लेमन लिया है, 3 साबुत लाल मिर्च और मूंगफली। तो मूंगफली जो लिया है आज मैंने, हल्दीराम का रोस्टेड मूंगफली लिया है। आप के पास अगर कच्चा मूंगफली हो तो आप कच्चा ले लें, मेरे पास इस टाइम में कच्चा मूंगफली नहीं था तो मैंने नहीं लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने 2 पैकेट लिया है। तो अब मैं कच्चे मूंगफली की जगह यही यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले पोहा को मुझे भिगोना है, यानी इसे ज़्यादा मैश नहीं करना है हाथों से, बस पानी इसके ऊपर डालना है और जो पानी, एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर आ रहा है, 1-2 पानी डाल करके निकाल देना है, बस यही करना है। और ज़्यादा देर तक भिगोना भी नहीं है, बस आप इसे, इसके ऊपर पानी डालें 1-2 बार और इसका पानी निकाल दें और फटाफट से रेसिपी बनाने के लिए रेडी हो जाएं। तो पोहा को मैंने धो लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से, सिर्फ धो लिया है मैंने इसे 2 पानी से, और इसके अंदर पानी ज़रा भी अंदर में, यानी नीचे पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है, इसे छान लें तो और बेहतर होगा। तो कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। और अगर आप कच्चा मूंगफली लेते हैं तो आप मूंगफली को, यानी 1 टेबलस्पून तेल में आप फ्राई करके निकाल लें पहले, अगर आप कच्चा मूंगफली लेते हैं तो। और अगर आपके पास इसी तरह से अपने रोस्टेड मूंगफली ले रखा है तो फिर उसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को मैं लो टू मीडियम कर दे रही हूँ ताकि तेल ठीक से गर्म हो जाए। और अब मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई पहले से गर्म था इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगाना है। मैं देखती हूँ कि कढ़ाई गर्म हुआ कि नहीं, तो क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड डाल के देख रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा और गर्म होने देना है। तो अब मैं ये डाल देती हूँ, साबुत लाल मिर्च, करी लीव्स, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, गोल्डन होने तक इस प्याज को मैं फ्राई करूंगी। तो प्याज फ्राई हो चुका है और अब मैं डालूंगी इसमें पोहा।
जिसे मैंने पहले ही भिगो लिया था। ये पोहा डाल दूंगी मैं। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, कश्मीरी रेड चिली, नमक स्वादानुसार, इसे मिक्स कर दूंगी। तो 2-3 मिनट तक इसे मैंने फ्राई किया है और अब मैं इसमें रोस्टेड मूंगफली डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। और हाँ, मेरे पास इस वक्त धनिया का पत्ता, कोरिएंडर लीव्स नहीं है। आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे खाने में टेस्ट बढ़ जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो धनिया का पत्ता ज़रूर डालें तो दिखने में और अच्छा लगेगा भी। ये बिल्कुल थोड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन टेस्ट में इसके कोई कमी नहीं है। अब ऊपर से मैं गार्निश करने के लिए इसमें थोड़ा सा और रोस्टेड मूँगफली ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पर भुजिया भी मिक्स कर सकते हैं, आलू भी फ्राई करके मिक्स कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। आप इसमें जितनी चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे, ये उतना बढ़िया बनता चला जाएगा। लेकिन आज जो मैंने बनाया है, ये बिल्कुल जो मेरे पास आज अवेलेबल था तो उसी में बनाया। और ये आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं होती है और तब भी वो खाने का मन होता है, तो उसके बगैर भी, यानी कोरिएंडर लीव्स अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसके बगैर भी मैंने इसे बनाया और बिल्कुल आपके सामने मैं उसी तरह से पेश किया जिस तरह से मैं इसे आज खाने वाली हूँ। और हाँ, अगर किसी को लेमन जूस पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन, अगर इसलिए क्योंकि जिनको पसंद होगा वो लेंगे, जिनको नहीं पसंद होगा वो नहीं लेंगे। तो बस अगर पसंद है तो ऊपर से आप इसमें लेमन जूस स्प्रिंकल कर दें और इसे बनाएं, खाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करती हूँ। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।